हेलो स्टूडेंट, आई एम तमन्ना फ्रॉम विश्वास नवशारदा पब्लिक स्कूल भुना। टुडे वी विल रिवाइज वर्कशीट 9 टू वर्कशीट 15 ऑफ यूनिट नंबर 4। तो लेट वी स्टार्ट। क्लासिफाई द मूवमेंट बिलो एज रोटेशन और रिवॉल्यूशन। ठीक है, हमने ये बताना है कि रोटेशन है या रिवॉल्यूशन है। सबसे पहले फेरिस व्हील रोटेशन है, रीजन बिकॉज इट रोटेट्स अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। बॉल टाइड टू स्ट्रिंग एंड मूविंग इन ए सर्कल, रिवॉल्यूशन बिकॉज बॉल रोटेट, इसमें जो बॉल है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, इसीलिए ये क्या है, रिवॉल्यूशन। शिपिंग टॉप, इसमें एक एक्सिस के अराउंड रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, रोटेशन। व्हाट इज एन एक्सिस, एक्सिस क्या है, एक्सिस ऐसी लाइन है जिसके अराउंड क्या एक बॉडी रोटेट करती है। हमें टू पोल, टू हेमिस्फीयर और इक्वेटर बताने हैं। देखिए, ये अर्थ की ऑर्बिट है, ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये इसका यहाँ से इसका टिल्ट है अर्थ का, यहाँ से 23.5 डिग्री टिल्ट है। नेक्स्ट वर्कशीट है डे एंड नाइट ऑन द अर्थ, एक्सप्लेन व्हाई अर्थ एक्सपीरियंस द डे एंड नाइट। देखो, अर्थ जो है डे और नाइट क्यों एक्सपीरियंस करती है, क्योंकि अर्थ जो है एक तो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। जैसे अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी तो एक पार्ट सन के सामने होगा और एक सन से अवे होगा। जो सन के टुवार्ड्स होगा वहां डे हो जाएगा, और जो पार्ट घूमते घूमते सन से दूर चला जाएगा वहां नाइट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, इफ इट इज नाइट इन चाइना तो इट विल बी डैश इन साउथ अमेरिका, डे। इट इज आफ्टरनून इन ऑस्ट्रेलिया, इट विल बी डैश इन अफ्रीका, नाइट। इट इज अर्ली मॉर्निंग इन रशिया, इट विल बी डैश इन ग्रीनलैंड, इवनिंग। What do you think would happen if Earth did not rotate? अगर Earth rotate नहीं करेगी तो क्या होगा? If Earth will not rotate, then day and night will not be occur. तो day और night नहीं बनेंगे। एक रीजन देना है कि सीजन क्यों चेंज होते हैं। तो सीजन किसकी वजह से चेंज होते हैं? क्योंकि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, इसकी वजह से सीजन चेंज होते हैं। तो हमने डिफरेंट सीजन का डायग्राम लेबल करना है, या आपका बुक पार्ट वन में पेज नंबर 60 पर है, आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट है, इन जून द रे ऑफ सन डायरेक्टली फॉल ऑन द साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ये क्या है, फॉल्स कहाँ पे होती है, नॉर्थर्न पे। द इंटेंसिटी ऑफ सन रे डिसाइड इफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर विल एक्सपीरियंस समर और साउथर्न हेमिस्फीयर ट्रू। डे टाइम इज शॉर्टर इन समर, तो क्या है, फॉल्स लॉन्गर होते हैं। नेक्स्ट है, द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस अपोजिट सीजन। यहाँ दोनों अपोजिट सीजन क्यों एक्सपीरियंस करते हैं, हमें रीजन देना है। देखिए, क्योंकि बिकॉज सन रे जो है वो एक ही साइड पे होंगी, या फिर साउथर्न पे होंगी या नॉर्थर्न पे होंगी, तो इसीलिए जब नॉर्थर्न पे क्या होगा, मतलब अपोजिट सीजन वो एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि जो सन है वो एक ही डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट है, डू यू थिंक अदर प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑल्सो एक्सपीरियंस द डे एंड नाइट। तो क्या, यस, क्योंकि सभी प्लैनेट क्या करेंगे, डे और नाइट एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि सभी क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो एक पार्ट उनका सन के सामने होगा और एक पार्ट क्या होगा, सन से दूर होगा, तो वो क्या करेंगे, डे नाइट एक्सपीरियंस करेंगे। वट काइंड ऑफ टेम्परेचर वुड यू एक्सपेक्ट इफ एन एरिया इज गेटिंग लेस सनलाइट। We expect low temperature in that area which get less sunlight. Explain why there are usually mild temperature during March and September. Because sun shine equally on the southern and northern hemisphere in the month of March and September. Answer the question using the diagram. ये क्या है, sun है, यहाँ पर day और night day होगा, क्योंकि ये part sun के सामने, यहाँ night होगी। This is winter, this is summer. नेक्स्ट है, व्हाट इज एन एक्लिप्स, व्हाट इज द रीजन फॉर एन एक्लिप्स टू टेक प्लेस। एक्लिप्स का मीन क्या है, हाइडिंग। इट हैपन्स व्हेन द सन और द मून अपीयर्स हिडन टू समवन ऑन द अर्थ। मतलब एक्लिप्स का मीन क्या है, हाइड। ये कब होगा, जब सन जो है, सन और मून जो है किसी एक पर्सन के लिए हाइड हो जाएंगे, मतलब एक पर्सन के लिए क्या, सभी के लिए हाइड हो जाएंगे और दिखेंगे नहीं हमें अर्थ से देखने पर। सोलर एक्लिप्स का डायग्राम, दिस इज द डायग्राम ऑफ सोलर एक्लिप्स, सन मून एंड अर्थ। व्हेन डज ए सोलर एक्लिप्स टेक प्लेस, व्हाट हैपन इन सोलर सिस्टम।
सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स में क्या होगा, मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा, ठीक है। सोलर एक्लिप्स में जो पीपल है वो सन को नहीं देख पाएंगे। व्हेन डज अ लूनर एक्लिप्स टेक प्लेस, व्हाट हैपन इन लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, जब जो अर्थ है सन और मून के बीच में आ जाएगी, ठीक है, तो मून जो है वो दिखाई देना बंद कर देगा, क्योंकि मून के ऊपर सनलाइट नहीं पड़ पाएंगी, सनलाइट नहीं पहुंच पाएंगी, सनलाइट को ब्लॉक कर लेगी अर्थ और मून के ऊपर नहीं जाने देगी, और हमारे लिए मून जो है वो हाइड हो जाएगा। तो उस टाइम जो है ल्यूनर एक्लिप्स अक्कर होगा। ल्यूनर एक्लिप्स में होता क्या है, अर्थ बीच में आ जाती है सन और मून के, और हमारे लिए जो मून है वो हाइड हो जाता है। ल्यूनर एक्लिप्स का डायग्राम ड्रॉ करना है, यहाँ जैसे सोलर एक्लिप्स का है, ठीक है, बीच में क्या है मून, यहाँ बस क्या आ जाएगा, बीच में अर्थ आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये थी हमारी यूनिट नंबर 4 की वर्कशीट 9 to 15, तो आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।